हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेज आज हम सीखेंगे बनाना। फॉर्मेशन वाला सेंटेंस मतलब क्या? क्या मैं उससे मिलूं? क्या मैं आपके घर आऊं? कल हम मुंबई चले क्या? इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो फॉर्मेशन वाले सेंटेंस कहलाते हैं। और उसको हम बनाते कैसे हैं, उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या है बनाने का, वो आज हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, इंग्लिश अगर आप सचमुच सीखना चाहते ही हैं तो जब भी आप वीडियो को ओपन करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो सेंटेंसेस शुरू करते हैं। जैसे सेंटेंस मैंने कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या मैं आपके लिए ठंडा लाऊं? क्या मैं जाऊं? अब हम चले क्या? मैं उसको आने को बोलूं क्या? मैं कहां जाऊं? ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो फॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इसको हम बनाते कैसे? ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो गलत तरीके से बोल देते हैं इसको जिनको पता नहीं होता है। बट इसका जो सही तरीका है बोलने का है वो क्या है, जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, क्या मैं आपके लिए ठंडा लाऊं? ये हम इसमें मे आई ब्रिंग कोल्ड फॉर यू ऐसा बोलेंगे तो भी चल जाता है, चलता है, समझ जाएगा सामने वाला। बट ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम मे का इस्तेमाल या मे आई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर मैं किसी का परमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैं बस आपकी जो इच्छा है जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए ठंडा लाऊं क्या। ओके फ्रेंड्स, सो ऐसे सेंटेंसेस को हम अलग तरीके से बनाते हैं, मे आई लगाकर नहीं बनाते हैं। अगर आप मे आई लगाकर बोल भी देते हैं तो आप ये मत समझने कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, गलत नहीं होता है, सही समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। ओके फ्रेंड्स, बट अगर सही चीज़ को सही तरीके से बोलेंगे आप तो ज़्यादा ही असरदार होता है। जैसे इसको हम बोलेंगे, क्या मैं आपके लिए ठंडा लाऊं? तो इसका कई तरीका है बोलने का, तीन तरीके से हम बोलते हैं। डू आई ब्रिंग कोल्ड फॉर यू, शैल आई ब्रिंग कोल्ड फॉर यू, शुड आई ब्रिंग कोल्ड फॉर यू। पहला में हम डू आई लगाकर बोलते हैं, दूसरा में शैल आई लगाकर बोलते हैं, और तीसरा में शुड आई लगाकर बोलते हैं। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस है, अब हम चले क्या? अब हम चले क्या? क्या अब हम चले? तो यहाँ पर हम लेट्स गो अगर बोलते हैं तो चल जाता है, बट यहाँ पर हम अब सबकी इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम चले क्या, यहाँ पर लेट्स गो की जगह हम बोलेंगे डू वी गो, शैल वी गो, शुड वी गो। मैं उसको आने को बोलूँ क्या? डू आई टेल हिम टू कम, शैल आई टेल हिम टू कम, शुड आई टेल हिम टू कम। हम उनसे बात करें क्या? डू वी टॉक टू हिम, शैल वी टॉक टू हिम, शुड वी टॉक टू हिम। मैं अपनी बाइक लाऊं क्या? मैं अपनी बाइक लाऊं क्या? डू आई ब्रिंग माई बाइक, शैल आई ब्रिंग माई बाइक, शुड आई ब्रिंग माई बाइक। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तीन तरीके हैं, थ्री वेज है, देर आर थ्री वेज, जो भी आपको अच्छा लगता है वो अपना लो। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या करें, कहाँ जाए, किससे बात करें, कैसे करें, क्या करें पता नहीं, कहाँ जाए एक समस्या है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? अगर सिर्फ इतना ही हो, क्या करें, कहाँ जाए, किससे बात करें, कैसे करें, क्यों करें, कहाँ बैठे, क्या खरीदे, सिर्फ इतना ही हो, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब बस इतना ही हो, तो उतना के लिए हम क्वेश्चन वर्ड और वर्ब के बीच में सिर्फ टू लगाकर बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब, जैसे क्या करें, व्हाट टू डू, कहाँ जाए, Where to go? किससे बात करें, Whom to talk? कैसे करें, How to do? क्या खरीदे, What to buy? कहाँ बैठे,
वेयर टू सिट, कैसे लिखे हाउ टू राइट, कैसे बोले हाउ टू स्पीक। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, कब करे, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब लिख दो, हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अभी अगर इसमें हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे क्या करे पता नहीं, क्या करे पता नहीं, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, व्हाट टू डू इज नॉट नोन। यहाँ पर इज लगाकर, हेल्पिंग वर्ब लगाकर, इज लगाकर, अगर है तो इज लगाकर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं, V3। ओके फ्रेंड्स, क्या करे पता नहीं, व्हाट टू डू इज नॉट नोन, कहाँ जाएं एक समस्या है, वेयर टू गो इज अ प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाते हैं। किससे बात करें यह एक समस्या है, हुम टू टॉक इज अ प्रॉब्लम। कैसे करना है या कैसे करें, हम दोनों बोल सकते हैं, कैसे करें या कैसे करना है, कहाँ जाए या कहाँ जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे करना है ये एक समस्या है, हाउ टू डू इज अ प्रॉब्लम, कहाँ जाए एक रहस्य है, वेयर टू गो इज अ सेक्रेट। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं उसका इंग्लिश। बहुत ही इजी था ये, और बहुत ही इजी है, बस आप इसको इस्तेमाल करो, दो चार बार आप इसको यूज़ करोगे तो बाद में खुद ब खुद आपके ज़बान पर आने लगता है। ओके फ्रेंड्स, बस यूज करना है, जितने भी इस फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर्स आपको हम बताते हैं, उस स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर अगर बताया तो उसे आप काफ़ी सारे सेंटेंस क्रिएट करो माइंड में और उसका इंग्लिश बनाते जाओ, यूज़ करो, उसका प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद ही आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ देख लिया वीडियो, हाँ हाँ ठीक है ये तो आ गया, उसके बाद आपने इसको यूज़ नहीं किया तो ये एक हफ्ते के बाद अपने आप आपके माइंड से डिलीट हो जाएगा अगर यूज़ नहीं करेंगे तो। यही साइंस कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं और एक हफ्ते तक उसको रिवाइज़ नहीं करते, एक हफ्ते तक हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं, उसको देखा भी नहीं, फिर वो चीज़ हमारे माइंड से डिलीट हो जाता है और डिलीट होना शुरू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्टली दिमाग के साथ होता है, इसलिए अगर हम एक हफ्ते के बीच अगर दो चार बार रिवाइज करते हैं या रिविज़न कर लेते हैं उसी चीज़ को, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें, वो भी घर बैठे मुफ्त में। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।